आज मुझे मालूम पड़ा कि आखिर इनके प्रवक्ता 100 दिन तक क्यों नहीं आ रहे थे। कंघा नहीं था, साबुन नहीं था, तेल नहीं था, आप बताइए तो कैसे आते बताइए। और मंदी तो आई है, सबसे ज्यादा मंदी अगर किसी फैक्ट्री में आई है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। इनके एक प्रवक्ता ने परसों एक वीडियो डाला है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मैं सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आज संबोधित करता हूं कि ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, अभी तो दो गए हैं, कहां गए हैं पता है ना, बाकियों का जाना बाकी है। अब जीडीपी पे आते हैं, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है, मजाक से विषय नहीं चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, विश्व में एक मंदी चल रही है और ऑटो सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। 2014 से 19 तक $1 trillion जोड़कर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया $3 trillion का, तो इसलिए यह संभव है कि आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है इसमें हम $2 trillion जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे और विश्व के बुलंदी पर हम $5 trillion इकोनॉमी के साथ जरूर पहुंचेंगे। ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है, 5 ट्रिलियन, 5 रुपए का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता हूँ, बताता हूँ, बैठो, बता दो आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता हूँ, बताता आप सुनो आज, बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ कुछ, आप मैं जवाब देता हूँ, देख लेना जवाब, जवाब मैं जवाब देता हूँ, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ, पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं, ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने, 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे, तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने, चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, 12 टेन टू द पावर 12 होते हैं, 10 to the power 12, तो मैं ये बार बार पूछता हूँ, 5 ट्रिलियन बना देंगे फिर बोलते जीडीपी सिर्फ ऑटो सेक्टर, मेरे भाई क्यों लोग अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है वो खुदकुशी कर लेंगे आपको सुन के, जीडीपी जब गिरती है तो सारे सेक्टर उसमें आते हैं, बोलते नहीं 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 सिर्फ ऑटो सेक्टर में मंदी है, बाकी तो भाई बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रही है। इन्होंने कहा पार्ले जी का 5 रुपया वाला जो ये सब नहीं मिल रहा है, मुझे पता है राहुल जी रो रहे हैं तब से, मुझे पार्ले जी दो, मुझे पार्ले जी, चौकीदार चोर है, सारे सारा कुछ लूट गया, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, सब लोग गली पे हैं, सब लोग सड़क पे आ गए, खाने को नहीं मिल रहा है, सारे लोग मर गए, देश बर्बाद हो गया, देश लूट गया, कौन बर्बाद हुआ, ये बर्बाद हुए, अरे एक सीट मिली झारखंड में, इतना क्या हुआ, ये क्या मंगल, सर मैं आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, सुनिए, हिंदुस्तान को जीरो तक ले जाने वाले लोग आज हमें पूछते हैं कितने जीरो हैं, जीरो तक लेके गए हैं आप लोग, अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, देश का गृह मंत्री था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, चोरी डकैती करके जेल जा रहे हैं और यहाँ आके छाती पीट पीट कर कितनी जीरो है बताओ कितनी जीरो है। देखिए भाई मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात, देखिए बोला भाई बीच में मत, चलो अभी कोई भी सवाल इनसे पूछते हैं सीधा जाते हैं राहुल गांधी पे, जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये बताइए क्या बोलते हो, आपको पता ही नहीं है, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जीडीपी का, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, अरे भाई 5 साल से आपकी सरकार है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और जीरो 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 कितने होते हैं, 10 to the power 12 trillion होते हैं, 10 to the power 9 billion होते हैं, 10 to the power 6 million होते हैं, याद रख के आया करो या बिना तैयारी के लोगों को गुमराह मत करो, और वो गाना सुनाओ वापिस, क्या सर झुका के जियो, सर क्या क्या बोल रहे थे आप, सुनाओ संजय झा से पूछना, आज इनका गाना सुनो, संजय झा से पूछना, मैं इनके पास कोई उत्तर नहीं है, मैंने इनसे बार बार पूछा जीडीपी जो गिर रही है, सर झुका के जियो, अच्छा, ना सर झुका, अरे भैया प्रोफेसर साहब तो अभी मैं इनको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछूंगा नहीं आएगा, मैं ये भी गारंटी देता हूँ इनको, मेरा चैलेंज प्रोफेसर साहब अभी जीडीपी की व्याख्या पूछूंगा नहीं आएगा, आपको लोगों को गुमराह करो प्रोफेसर साहब, भ्रष्टाचार के सरगना ऊपर से नीचे तक के सारे माँ बेटे सरगना, चिदम्बरम सरगना, विकी ये परिवार है,
बेचा इन्होंने देश को है। अरे बाप है पाकिस्तान के। अरे भैया बाप है हम तो, हम नहीं पूछेंगे। आज सुनो शांति सुनो, शांति हो गया, ड्रामा हो गया। मैं कंप्लीट करूँ, कंप्लीट करूँ। बोल रहे पाकिस्तान के बाप है, अरे हम तो उनके दादा भी बनना चाहते हैं, पर दादा भी बनना दादा किसने रोका है? ये आप लोगों को क्यों बरगलाते हो कि अरे हम तो कह रहे हैं उनको मारो, उनको जीते मारो। सवाल पूछता हूँ मंदी का तो बोलते हैं हम पाकिस्तान के बाप है। सवाल पूछता हूँ ऑटो सेक्टर में डिप क्यों आई, हम पाकिस्तान के दादा है, हम पाकिस्तान के पर दादा है। अरे मैं तो कहता हूँ उनको पाकिस्तान को भी अंदर ले लो, उनको जूते मारो, मैं तो ये भी कहता हूँ, पर आप लोगों को बरगलाओ मत, लोगों को जवाब दो। दूसरी बात, आपने 370 पे छोटी सी बात कह के खत्म। छोटी सी बात क्या होगी, 70 साल तक छोटी सी बात कर।